कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिए जगह जगह बस्ती के आसपास सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाया गया, ताकि कोसी के उन इलाकों के लोगों को भी बिजली का सुविधा ले सके जहां कोसी के अथाह पानी के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आम बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती है। कोसी तटबंध के अंदर कई जगहों पर जहां कोसी नदी के इर्द गिर्द बस्ती है उसके आसपास सोलर पावर प्लांट लगाया गया और बस्ती में बिजली सुविधा दी गई, लेकिन कई जगह से ये शिकायत मिलने लगी कि महीनों से सोलर बिजली बाधित होने के बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे वहां के लोग निराश और आक्रोशित है। ये तस्वीर कोसी तटबंध के अंदर मरौना प्रखंड के खुकनाहा गांव की है। दो नदियों के बीच अवस्थित इस गांव के ग्रामीणों ने बताया LNT कंपनी के द्वारा सोलर पावर प्लांट के माध्यम से उनके गांव में बिजली की सुविधा तो दी गई, लेकिन पिछले एक माह से बिजली खराब है जिसकी कोई सुधि लेने के लिए नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं रहने के कारण रात को रोशनी के अभाव के कोसी नदी के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है जिससे वहां तटबंध के अंदर बसे लोगों का बाहरी लोगों से संपर्क कट जाता है। सुपौल जिला के मरौना प्रखंड के दो नदी के बीच जो 10 से 15 गांव बसा हुआ है, आज डेढ़ माह से जो LNT कंपनी के द्वारा सोलर लाइट दो नदी के बीच में उपलब्ध सरकार के द्वारा किया गया था, मगर अभी दो नदी के बीच में हर एक जगह 1500 क्यूस पानी भी छोड़ा गया है, तो घर घर पानी है, मगर LNT कंपनी के सोलर लाइट के द्वारा जो बिजली हम दो नदी के बीच के पीड़ित के परिवार पहुंचते थे, मगर डेढ़ माह से वो खराब है। कई बार ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी जो बिजली विभाग के पदाधिकारी से बात किए, मगर कोई सुधि लेने के लिए स्थल तक नहीं पहुंचे। उसके बाद हम लोग ने सोचे कि अब क्या किया जाए, उसके बाद हमसे संपर्क किया। मैं जिला प्रशासन और बिजली विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं कि LNT कंपनी के जो बिजली मुहैया कराया जाता था उस पर सुधि लिया जाए और हम लोग को सभी कोसी पीड़ितों को उचित बिजली देने का कष्ट किया जाए। मैं भाजपा के युवा नेता मिथिलेश यादव, सह पिपरा विधानसभा विस्तार।